देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमारे पास वही सिंबल्स हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन में से टी की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। टी हो गया बी माइनस यू अपॉन ए, एंड ये टी की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। सेकेंड इक्वेशन में टी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, थर्ड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज v माइनस यू बाय a। ये t की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसमें भी कर देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, बी यू माइनस यू स्क्वायर बाय ए हाफ ए, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया, ये ए से ए के कैंसल हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ए है और एक टू है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास टू ए। लेफ्ट हैंड साइड एस चल रहा है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, ए एंड टू ए का एलसीएम मिलेगा टू ए। टू ए को जब ए से डिवाइड करेंगे तो आता है टू, दैट मीन्स आपको यहां न्यूमरेटर में टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। टू ए को जब टू ए से डिवाइड करते हैं वन आता है, यहां न्यूमरेटर में वन मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बच गया माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, बचा माइनस यू स्क्वायर। नेगेटिव यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आ गया वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।